guys, welcome or welcome back to my channel. This is Natasha Sharma and I am vlogging today because you all know that I just started loving doing it. So guys, आज मैं जा रही हूँ काफ़ी दिन के बाद कॉलेज अपने एग्जाम्स वगैरह खत्म होने के बाद, तो नहा धो के गुड गर्ल तो मैं ऑलरेडी बन चुकी हूँ, तो चलो चलते हैं कॉलेज और देखते हैं कि हम क्या कुछ करेंगे आज. So here we are again going over the flyover. मुट्ठी से शुरू होता है और पाम आइलैंड के पास उतरता है, तो हम लोग इधर चढ़ रहे हैं 11:20 पे और देखते हैं कितनी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे पाम आइलैंड के पास. तो चलो चलते गए, मौसम को एंजॉय करते गए. खूबसूरती देखिए यार, इतना सुंदर व्यू लगता है फ्लाईओवर के ऊपर से जाते टाइम, और पता भी नहीं चलता कितनी जल्दी हम लोग पहुंच जाते हैं. और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मिनट्स और 4 मिनट्स हमको लगते हैं. 11:20 पे हम चढ़े थे और अभी टाइम चेक किया मैंने तो देखा 11:23 हुए हैं और हम 3 मिनट में देखो यहाँ पे पहुँच भी गई. ये रहा हमारा पाम आइलैंड. हाँ मेरे को पता है ये बंद हो चुका है, बट पाम आइलैंड ही इसका अभी भी नाम. हम लोग पहुँच भी गए यहाँ पे, तो चलो चलते हैं अब कॉलेज में. बड़ी एक्साइटेड हूँ आज इतने दिन के बाद जाते टाइम. कॉलेज के पास पहुँच गए हम लोग. अगर हम लोग जाएंगे अंदर और वो वहाँ पे खड़ा है, तो मैं जा रही हूँ अकेले अकेले आगे. I'm going there. वो कांक्षा मिल सकती है, वो वहां मंडरा रही है वापस भी. वो देखना पिलर के पीछे छुप के, ये देखना पिलर के पीछे छुप के क्या हरकतें हो रही है. वो देखना एक और आई उनके साथ, भावरो देवी. मिस आरिया, सॉरी सिंपल गर्ल, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड. दूर से ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे बताई नहीं तो भूल गई थी. ये हर कितने कर रहे हो पिलर के पीछे छुपने वाली. हाय, इसको पिलर बहुत पसंद है. कॉलेज में कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है इस पेड़ के पास. इस पेड़ से कितनी यादें जुड़ी आपकी. सो आकांक्षा का फेवरेट पेड़. हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ. ये रीटेक करने के लिए हर्ष वापस गए थे और ये वापस आते हो. हाय हर्ष, क्या हाल है? बढ़िया, मैं तो ठीक हूँ. किधर थे आप? बस अंदर बैठा हुआ. आपको कब से बुला रहे हैं हम लोग? यार वो थोड़ा बिजी था, बदल गए ना कॉलेज आते हैं हमारे. अभी कॉलेज में मैं थोड़ा दबका चलता है, यू नो, तो डर के रहो थोड़ा. अभी भी दबका चल रहा आपका? हाँ चलता है अभी. डर लग रहा मुझे, डर लग रहा है. कांपो डर लग रहा है. ब्लॉग क्या जन्मों से नहीं मिले आप? आप दीदी से तो मिलो पहले. पाँव हाथ लगाओ, चलो लगाओ पाँव लगाओ लगाओ. बड़ा बेसी हुई अन्य लोग तक करे तक करे. हर्ष लगाना, बड़े बड़े तू भी लगाओ. हाय हाउ आर यू? अभी मुझे लग रहा है मैं बड़ी होगी. नहीं नहीं, शायरी शुरी नहीं सुनाओ आज, बोर नहीं करना. हमने दिखाना है कि हमारे जूनियर्स कितने ही वो हैं. ये हमारे क्या सुपर 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 जूनियर फर्स्ट सेमेस्टर से क्या अर्ज किया आप पहले बताओ. आपके अर्ज तो आपने किया, मगर आपकी मुस्ताड़ी कहाँ गई? तो है नहीं, सही बात है. ठीक, बट कट गई ये. अपने नाई को मैं 2-4 शब्द बोलना चाहता हूँ इस ब्लॉग के जरिए कि अगर तुझे काम नहीं आता तो तूने क्यों दुकान खोली, पहले मुझे बता. है
आगे जितने उसको पैसे दिए मैंने तुझे मुझ सीधी करने के लिए बोला था ना कि उड़ाने के लिए क्या मैं मेरे को थप्पड़ है उसको इधर देखो ना मेरे को थप्पड़ मारा उसको है ये कौन सा मूव आपका है क्या रिंग रोड दिखाई थी वो क्यों लंबी फोटो में देखा मैंने इनको लंबी मजाक उड़ाते ना मेरा जिस दिन मैं स्टार बन गया ना बापू तेरे पोते ने स्टार बन जाना है अच्छा वो कौन सा वो एक वो जा रहा है वो देखना ओए महाराज सर सर आइए आप भी ब्लॉग में सर मैंने हाँ सर भैया प्लीज भैया प्लीज आप साइंस कॉलेज की शान हो भैया अगर आप ना ब्लॉग में आए तो फायदा क्या भैया हमारा ब्लॉग बनाने का भैया देखो नमस्ते क्या हाल है सर ठीक हो कैसे चल खा लो खा लो दादू भी शान है फिर बोला तो अभी भी शान आ लगे खा दूंगी नहीं तेरे को कहाँ गए थे घूमने घूमने क्या हुआ तेरे को क्यों मैंने घर पे ठीक है सब और हाँ गाँव में ठीक है सब कितने ठीक है मत कर यार मुझे शर्म आती है आ रहा सर अग्नि ऐसे ऐसे बुराइयाँ कर रहे हैं ये लोगों की बुराइयाँ कर रहे हैं और अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं आज आप सारे आए हो ना आज खेलेंगे वो क्या टच डेयर वो बोतल घुमाने वाला क्या बोलते हैं बोतल घुमा के वो बोल बोल करके फिर एक चप्पल हो जाता है तो कब मेरी चप्पल खाऊंगा उसको प्लीज यानी हो एक बार आयशा इधर लिख देना बिहाइंड द सीन ठीक है चप्पल खाने से पहले मम्मी ने तो कमजोर ही रही तेरी ओए मुंडे आ फिर मारने का आएगा तू फिर मारने का आएगा लेके आना भी घर से क्या लेके आना लेके आए ना कुछ सलवार कुर्ता कुछ वैसे हमने आयुष को भी बीच में मनाना है वो आयुष भी नाचेगा मेरे साथ आयुष ढोल वाला डंग 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 कैसे कैसे आयुष भी जाएगा ढोल में नाचूंगा ये पंजाबी अरे मेरे को भी डालना कल वो चार लड़कियां थी तीन हो गई हैं थोड़ी देर भाई भी नहीं रहेंगे आपके लिए बोल रहा ठीक है आयुष ने बोला डिंग डिंग एक बार सुनना मेरी टेप आगे आपको मेरा हर शॉट सीरियस लग रहा है बड़ा पांच मिनट के पहले बड़ा हैप्पी था ये उधर से घूम गया इधर से घूम गया ठीक है मैं बड़ी सीरियस बात करूं ओए असी ना तेरे मगर ऐसे फेक नहीं हो जाएगा क्यों होगा फेक मेरे साथ मत करना प्लीज क्योंकि मेरे को इसका पता है कि यार कहते हैं नहीं करूंगा मम्मी का सुनी मैं सुधर गया यार मैं नहीं करूंगा चलो तू नहीं सुधर सकता भाई तनेदी 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 आप भी मुझे समझाना ठीक है इधर उधर मुझे समझा के मैं क्यों साइड और मुझे समझाओ तुम चुप कर तू ड्रॉप जाओ उधर जाओ उधर किधर से घूम के सब छूट कर रही है तो उधर से आऊं ना आप तो साथ नहीं हो जाएगा की कर रही है सारी आएगा तो बेटा सब हर्ष काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है देखो एज ही सेड मी मैं वही हरकत करूँ हर्ष क्या हुआ हर्ष कुछ नहीं कुछ तो हुआ यू मिसेस ब्लैक कलर ड्रेस यू कम हियर वो अपने कहीं चल चिचोरा कहीं का नहीं मेरी बात तो सुनो वो कह रही है मैंने बोला मेरे पास कंटेंट नहीं है मैंने मतलब मेरे पास कुछ क्लिप्स नहीं है डालने के लिए कहती ये बड़ा अच्छा कंटेंट बेइज्जती करते यार दुनिया में तेरा बैग ये मेरा पता कितना सही बैग है कितना सही बैग है देखो ये किसी एंगल से बैग लग रहा है तुझे इतना अच्छा बैग देखो ना कितना अच्छा बैग है ये देखो ऐसे अभी बैग है स्पॉन्सर्ड नहीं है पहले बता रहा हूं मतलब हां स्पॉन्सर्ड नहीं है गाइस ठीक है मैंने पैसों से खरीदा है इतने पैसों को खरीदा आपने ये नहीं बता सकता ऐसे किया तो ये स्लिंग बनेगा हाँ ऐसे किया तो ये स्लिंग बनेगा अभी ये खोला ये छोटा है ना अभी कितना बड़ा हो जाएगा ये यादू देखने अभी देखो ये
ओ माय गॉड कितना बड़ा हो गया देखो यार कितना बड़ा हो गया कितना बड़ा हो गया दिखाना जरा कितना बड़ा हो गया बड़ा कैसे हैंडल करते हो आप ओहो जैसे किया यार हमें भूख लगी थी तो हम कुछ खाने के लिए आ गए यहाँ पे आके हमें पता चला कि हमारे मार्क्स निकल गए फिफ्थ सेमेस्टर के बोला ना आकांक्षा बोला कहाँ जा रहे हो आप जा रहे हो तो ये लोग घर जा रहे हो और क्यूटो 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 मैंने बुलाया छोटो मैंने बुलाया इधर आओ कम है नहीं आना चल फिर मैं गुस्सा थोड़ा फिर मैं बात नहीं कर रही मैं नहीं कर रही है बात क्या भूख लगा तू नहीं लाया आज आपके लिए नू तू नहीं लाया मैंने अरे आपके लिए नू तू नहीं लाया मैंने मुझे नहीं पता रहा आप कहाँ थे आप आते ही नहीं उधर आप आजकल उधर आते ही नहीं सो उसके बाद मैं आ गई यहाँ क्लस्टर के लास्ट वाले गेट पे और यहाँ से राइट साइड टर्न करते ही ये गेट आता है और यहाँ के अंदर आते ही आपको मिलता है ये कैफ़े जो कि अभी एक दो महीने पहले ही खुला है बट बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना यहाँ पे मिलता है मतलब खाना और भी खाने की चीज़ें और ये मैम है जो यहाँ पे खाना बनाते हैं इनके हस्बैंड और इन्होंने खोला है इनके क्यूट क्यूट से यहाँ पे बच्चे भी हैं और ये रहे हमारे दोस्त यहाँ पे कुछ हरकतें करते हुए और खाते हुए और वो रही मैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना मिलता है और जिसको सिंपल खाना खाना है वो भी खा सकता है और जिसको फास्ट फूड खाना है वो भी खा सकता है मैं आपको मेनू सारा दिखा देती हूँ काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है करारी कुलचा ये वो सब यहाँ पे मिलता है मोमोज स्प्रिंग रोल्स सो जिसको भी खाना है वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा और ये था इनका बेटा जो कि बहुत क्यूट है ये कॉलेज कौन से कॉलेज में पढ़ते हो आप सामने वाले कॉलेज का क्या नाम है साइंस कॉलेज में पढ़ते हो आप अच्छा मुझे पूछी तो की नहीं आज पूछी करो खा लो मोमोस सो दैट्स इट फॉर द वीडियो उसके बाद हम लोग घर चले गए खा के और अगर आपको इस टाइप की वीडियोज़ अच्छी लगती है कि मैं अपने कॉलेज के आसपास की अफोर्डेबल फूड या बेस्ट फूड जो सबसे अच्छा फूड लगता है वो दिखाऊं तो कमेंट बिलो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन